नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज नगर पंचायत में। ये कप्तानगंज का नगर पंचायत है और ऐसा माना जाता है कि बहुत ही पुराना नगर पंचायत है। यहाँ भी चुनाव देखने की प्रक्रिया मिल रही है। प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे के साथ पूरे दमखम के साथ जनता के बीच में चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। आरक्षण का घोषणा हो चुका है और आरक्षण का घोषणा होते ही प्रत्याशी में एक उत्साह का उमंग देखने को मिला है और तेजी से प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड संख्या 12 के सभासद प्रत्याशी दीनानाथ कसौधन जी। हम मिलेंगे, बात करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों के साथ चुनावी तैयारी चल रही है। बहुत बहुत स्वागत नेता जी, कैसे हैं? बढ़िया है। मैं वार्ड नंबर 12 से दीनानाथ कसौधन, सभासद प्रत्याशी। मैं अपने वार्ड में बहुत से मुद्दे हैं, जैसे सड़क है, नाली है और कूड़े का ढेर है, सफाई है और भी वो बहुत विकास के मुद्दे हैं जिनको लेके मैं खड़ा हुआ हूँ और उसी के मुद्दे को लेके मैं अपने चुनाव की तैयारी किया हूँ। सर, राजनीतिक दौर में कब से हैं? मेरा राजनीतिक दौर बहुत ज़्यादा लंबा समय तो नहीं रहा है। हाँ, मैं सामाजिक कार्यों में बहुत काफ़ी दिनों से, हमको नहीं लगता कि हम शायद बचपन से ही सामाजिक कार्यों में लगा हूँ। मेरा परिवार लगा है, मेरे दादा श्री श्री शंकर लाल लोहिया, उन्होंने यहाँ कप्तान नदी शिव गंगा घाट पे शिव मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री गुलाब चंद लोहिया जी ने मंदिर का ही देख रेख किया। उसके बाद हमारे बड़े भाई श्री स्वर्गीय श्री हीरालाल जी ने शिव मंदिर का देख रेख किया। उस मंदिर के जस्ट सामने माता काली का और हनुमान जी की मूर्ति का स्थापना किया। उस मंदिर की देख रेख हम सभी लोग, हमारे परिवार के लोग करते हैं और हम भी करते हैं और सामाजिक कार्यों से शुरू से हम जुड़े रहे। अभी हम कप्तान में जितनी भी मंदिर हैं, लगभग कप्तान मंगल बाजार की मंदिर है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग की कार्य करते हैं। यह जनता मार्केट का मंदिर है, उसका पेंटिंग वेंटिंग का काम करते हैं। अन्य भी गांव में जो लोग आते हैं उनको सहायता करते हैं पेंटिंग वेंटिंग का, क्योंकि मेरा दुकान, मैं पेंट और पाइप फिटिंग का मेरा काम होता है, इसलिए मुझसे जितना बन पड़ता है करता हूँ। और साथ ही साथ मैं कोरोना काल में लगभग हम टीम 11 से जुड़ के लगभग 65 दिनों तक भोजन बांटने का कार्य किया और समाज के हितों में हमेशा तत्पर रहा, लगा रहा और आज भी रहता है। जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं उन सभी चीज़ों से मैं हमेशा अपना संपूर्ण योगदान करता हूँ। बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, जवानों के साथ, मतलब हर तबके के साथ मेरा संबंध रहा है। और यानी कि सर, देखा जाए तो आपके फैमिली बैकग्राउंड से ही लेकर अब तक, यानी कि आप लोग शुरू से ही सामाजिक सेवाओं में रहे, धार्मिक आस्थाओं से आप लोग का काफी जुड़ाव रहा, इसीलिए आपने जो भी बताया वो सब मंदिर जो है अभी भी मौजूद है और उसका रख रखाव और जो जमीन पे नींव रखने की बात कर ली जाए तो आपके परिवार से होता है। तो इस तरह से देखा गया तो कहीं ना कहीं आप लोग सामाजिक और धार्मिक नीतियों से जुड़े हुए व्यक्ति और उस परिवार से हैं। सर, इस समय आप राजनीतिक दौर में चल रहे हैं, एक वार्ड संख्या 12 में सभासद पद के उम्मीदवार हैं जब चल रहे हैं, तो सर आपने बताया कि हमने कोरोना काल में भी जनता का काफ़ी सेवा किया है टीम 11 के साथ जुड़कर, तो सर इस समय एक नेता के रूप में चल रहे हैं, प्रत्याशी के रूप में चल रहे हैं, इसका कुछ फायदा देखने को मिला है? जनता आपसे जुड़ रही है? जनता का बहुत जुड़ा है, हमको लग रहा है कि मेरे वार्ड के सारे लोगों का सबसे प्रथम चेहरा मेरा नज़र आ रहा है। हर लोगों का जुड़ा है, हर तबके का, हिंदू हो, मुसलमान हो, अग्रहरी हो, कसौधन हो, रौनियार हो, पटवा हो, या चौधरी हो, चौहान हो, मतलब हमको नहीं लग रहा कि कोई ऐसा तबका हो जो मुझसे ना जुड़ा हो। हर लोगों का मुझसे जुड़ा है, वो ये सामाजिक कार्यों की देन है। बाकी मेरा राजनीतिक दौर बहुत लंबा नहीं रहा ना, मैं राजनीतिक दौर से, आप सामाजिक दृष्टिकोण से समाज की सेवा करते चले आए। सर, अभी जो आरक्षण आया है इसको लेके कितना संतुष्ट है, सही है या फिर किसी प्रकार का छेड़छाड़ हुआ है? अब ये मेरा राजनीतिक दौर रहता तो मैं बताता, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहा हूँ। आरक्षण से संतुष्ट है? आरक्षण के बारे में बहुत ज़्यादा, जो आदमी राजनीतिक दौर में रहता है तो बहुत विस्तृत जानकारी रखता है, तो उस दौर से मैं नहीं रहा, इसलिए उसका विवेचना मैं कर नहीं सकता हूँ। कितना विकास होने वाला है सर चुनाव जीतने के बाद? वार्ड संख्या 12 में, वार्ड संख्या 12 में विकास की बात करेंगे तो हम, मेरे द्वारा जितना आएगा अपने वार्ड संख्या 12 में, वार्ड 12 में, वो सारा कुछ मैं अपने पूरे वार्ड नंबर 12 में वो झोंक के रख दूंगा, वो सब कुछ दिखेगा, सब धरातल पे दिखेगा, किसी को मेरे पास आके कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी
कि ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। किसी का एक बार कहना वो समझिए मेरे लिए आदेश साबित होगा। सर, जनता कहती है कि सब नेता इसी तरह के वादा करते हैं चुनाव के पहले, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं तो गायब हो जाते हैं, नहीं तो आप पे कैसे जनता भरोसा? जनता का भरोसा करना इसलिए जायज है क्योंकि मेरा परिवार ही उस चीज से रहा है। मेरे परिवार ने कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाया, मेरे परिवार ने हमेशा लोगों को दिया है और हमने भी अपने उम्र में, अपने इस उम्र में लोगों के साथ किया, कभी किसी से मांगने नहीं गया है। किस पार्टी से सर चुनाव लड़? अभी तो मेरा बीजेपी से है, बीजेपी से सिंबल मांगे हुए हैं और बीजेपी से अगर मिलता है टिकट तो लड़ेंगे चुनाव, और लड़ेंगे क्या, जीत के दिखाएंगे। ऐसे में बहुत सारे प्रत्याशी जो है बीजेपी से टिकट मांगने की दावेदारी में लगे हुए हैं, अगर टिकट नहीं मिलता तो उस समय आपका क्या रुझान होगा? टिकट नहीं मिलेगा, मिलेगा तो उसके बाद सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा, उसके यानी जनता के हवाले छोड़, जनता के हवाले हम कर देंगे, जनता जैसे कहेगी वैसे हमको करना है। जनता कहेगी चुनाव के लड़ने के लिए लड़ेंगे। हाँ, जनता, जनता के भरोसे चुनाव है तो जनता के भरोसे ही लड़ेंगे ना। कितना पैसा खर्च करने वाले हैं सर चुनाव में? चुनाव में भैया देखिए पैसा तो मेरे पास बहुत ज्यादा है नहीं है, क्योंकि जनता के कहने पे हम आए हैं तो जनता से ही भीख मांग के हम चुनाव लड़ेंगे। जनता पैसे के साथ चुनाव जीता जा सकता है? एकदम जीता जा सकता है। जो सामाजिक कार्य किया है, जो मेरे पिताजी ने किया, जो मेरे दादा ने किया है और जो मेरे परिवार ने किया है, उसकी बदौलत हम मांगेंगे भीख, और भीख मांग के ही हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कौन सा कार्य होने वाला है? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले तो जो वार्ड का जो विकास है उस पर संपूर्ण ध्यान रहेगा। रोडों की सफाई, नाली की सफाई, वार्ड में झाड़ू लगना, जो भी है वो मेन मुद्दा मेरा रहेगा। प्रतिदिन वार्ड में सबसे जाके मिलना, जो मेरा रूटीन वर्क है, जो अभी मैं करता हूँ और पहले से भी करता हूँ, वो करूँगा, वो मेरा रेगुलर रहेगा। चुनाव जीतने के बाद पार्षद लोग मुंह फेर लेते हैं, आप कह रहे रूटीन में रहेगा, डेली मिलेंगे, मिलेंगे रोज? नहीं, मैं ऑलरेडी मिलता चला हूँ और उसी की देन है कि आज मैं लगभग 15 दिन, मेरी तैयारी बहुत 5 साल से नहीं है, मेरी तैयारी 15 से 20 दिन है, और 15-20 दिन में अगर मैं प्रथम चेहरा बना हूँ तो उसका कारण यही रहा है, क्योंकि मैं हमेशा अपने वार्ड में, समाज में सबके साथ रहा हूँ और करता चला आया हूँ, उसका देन यही है। इसीलिए तो मैं राजनीतिक दौर में यानी वार्ड संख्या 12 में तो आपने बहुत कम समय में यानी कि एक बदलाव सा और एक माहौल को चेंज कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये तो राजनीतिक दौर है, लोग आते हैं, बहुत से चेहरे हैं, सब लोग आए हैं, तो कुछ तो चेंज होना है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप वार्ड नंबर 12 में हमको जिताइए और अपने वार्ड को विकास कराइए, और विकास के मायने में मैं खरा उतरूंगा और 5 साल में वो दिखाऊंगा कि वार्ड नंबर 12 में क्या है। धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। तो ये रहे दीनानाथ कसौदन जी, जो वार्ड संख्या 12 के सभासद पद के उम्मीदवार हैं। इनका कहना है कि हम धार्मिक आस्थाओं और जमीन से जुड़कर हमने कार्य किया है, सामाजिक दृष्टिकोण से समाज की सेवा किया है, हमारे परिवार, हमारे पूर्वजों ने समाज में सेवा करते अभी तक चले आए और उसी का नतीजा है कि आज हम चुनाव लड़ रहे हैं। देखना अब यह है कि दीनानाथ कसौदन जी वार्ड संख्या 12 में कितने मतों से, किस तरह से, कैसे जीत को लेकर आते हैं या चुनावी रणनीति क्या कहती है, आगे देखने की बात है। लेकिन हम फास्टर प्लस न्यूज से आपको बता दें कि नेताजी के लिए ज़रूर कमेंट करें, नेताजी वाकई में चुनाव जीतने के बाद जो वादा कर रहे हैं करेंगे या नहीं करेंगे, या धरातल पर कितनी सच्चाई है, नेताजी के लिए ज़रूर कमेंट करें। देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज, बने रहें, धन्यवाद।